अब ठीक लग रहा है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। अरे डार्लिंग चिंता ना करो, नाम बनते हैं रिस्क से, और रिस्क तो मैं बचपन से ही ले रहा हूँ, तुम तो जानती हो मेरे को। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कैसे हो गेंडा स्वामी? बेटा बहुत दिनों बाद तुमसे आज मुलाकात हुआ, कुछ हिसाब था वो आज क्लियर कर दूंगा। हाँ देखते हैं, लेकिन उससे पहले तू ये ले। ये क्या है? चीटिंग करता है तू। चीटिंग? चीटिंग तो मुझे आता भी नहीं है। चीटिंग 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 करता है तू। हाँ चीटिंग भी करूंगा और तुझे खत्म भी कर दूंगा। ये ले मेरे तरफ से तेरे लिए एक तोहफा। आउच, ये क्या कर दिया तूने? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे लंच को तूने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। जाओ जल्दी काम शुरू करो अभी। ठीक है जाता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने सही से अपना नियंत्रण खो रहा हूँ। चलो एक का तो पता साफ कर दिया मैंने, अब बाकियों की बारी है। इसे अपने जाल में फंसाना एक आसान काम था, अब तुझे क्या हुआ? तो आखिरकार उसने सही लोकेशन चुना। लेकिन एक सेकेंड, उसके पीछे से वो कौन आ रहा है? रुक जाओ, अपने पीछे देखो। क्या मेरे पीछे? हाँ सही सुना तूने, तेरे पीछे। अब तेरे दोस्त को तेरे आंखों के सामने मारूंगा और उसे दर्द भी नहीं होगा। ऐसी गलती करने की कोशिश करना भी मत, नहीं तो तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। आजा भाई तू यहाँ पर बैठ, इससे मैं नहीं पढ़ता हूँ। तुझे तो तेरी मैं असली औकात दिखाता हूँ, तू अब मेरे से नहीं बच सकता, तू अब इससे बच कर दिखा। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि टाइटन क्लॉकमैन फ्यूचर देख सकता है, जैसे कि चीफ क्लॉकमैन देख सकता था। अच्छा तो ये बात है, चलो तो आज इसे टेस्ट कर ही लेते हैं। अब इसे क्या हुआ? ये इसकी कोई नई चाल है। बच्चे बहुत हुआ ये नुका छुपी का खेल, अब बाहर आ जा, मुझे पता है ये तुम्हारी कोई चाल है। मेरे सामने ये सब फालतू चालें नहीं चलेंगी, मैं तुम जैसा कमजोर नहीं हूं, तो सोच समझ कर खेल। तेरे बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज लाइव देख लिया, दम है तेरे में। सिर्फ दम नहीं, और भी बहुत कुछ है मेरे अंदर, तुझे यहां पर सीधा गाड़ सकता हूं, इसीलिए हल्के में मत ले। हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों को मारा नहीं जा सकता, तो ये सब फालतू बातें मत करो। किस लिए आए हो? हमें तब तक अपना काम कर लेना चाहिए। सही कह रहे हो, जल्दी करो। वैसे मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ, तुम उस गोले के आगे खड़े हो, क्या है उसके अंदर? तू अपना देख, ये तेरे काम की चीज नहीं। वेल, जिस तरह तुम इसके आगे खड़े हो और उधर तुम्हारे सारे टाइटन दोस्त मारे जा रहे हैं, कुछ तो है इसके अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, और तुम इसकी रखवाली कर रहे हो। मैंने तुझे कहा ना, ये तेरे कोई काम की चीज नहीं, तू अपना देख और यहाँ से निकल, नहीं तो एक लात मारकर यहाँ से निकालूंगा बाहर। अच्छा मुझे तो नहीं लगता। रुक, उसके अंदर मत जा। मैं तो जाकर रहूंगा, मुझे तुम नहीं रोक सकते। शिट, ये तो लफड़ा हो गया, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। इसमें से कौन सा तार काटना है? अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा काटूं। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? अरे स्टॉप। अब ठीक है, अब देखते हो इनमें से कौन सा काटना है, कौन सा काटूं इनमें से। हाँ ये ठीक है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुम यहाँ कैसे आ गए? वो सब एक लंबी कहानी है, कभी और सुनाऊंगा। तुझे अभी सुनाना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी तरह प्यार से नहीं बात करता। ओह हेलो रोलेक्स हेड क्लॉक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर मैं मना कर दूं तो? इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए फिजिशियन को सब्सक्राइब करें, जो कि मजा आएगा।